इन दोस्तों, स्वागत है टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप एक जो है स्मार्ट स्ट्रीट लाइट बना सकते हैं कुछ इस टाइप से, जैसा कि यहां पर आप मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपोनेंट जो रिक्वायरमेंट होगी। कोडिनो ओनो आपको इसके लिए लगेगा। इसके बाद जो है आपको 3 IR सेंसर लगेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक LDR मॉड्यूल लगेगा, एक मिनी ब्रेडबोर्ड लगेगा, 3 LED लाइट्स 10 mm की लगेगी और मैंने इसको ऑलरेडी हीरो दिया है इसमें, कनेक्टिंग वायर्स लगेंगे एंड कार्डबोर्ड पे हम इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्डबोर्ड पे येलो कलर की शीट को जो है ग्लू से चिपका देते हैं, फेविकोल से। ठीक है, इस टाइप से मैंने भी चिपका दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स जो है हम इस पर IR सेंसर कनेक्ट करेंगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वन बाय वन। 3 IR सेंसर हम इस प्रोजेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम इसको कनेक्ट कर देंगे ग्लू की हेल्प से। इसके बाद हम ग्लू गन की हेल्प से जो है हमारे 10 mm की LEDs को वन बाय वन IR सेंसर के पास में कनेक्ट करेंगे। 10 mm की LEDs के वायर मैंने नीचे से जो है निकाल दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, इस टाइप से तो ये यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे एक IR सेंसर के साथ एक LED और 3 IR सेंसर के साथ। इस टाइप से हम 3 LEDs को हम कनेक्ट कर देंगे। इसके वायर आप देख सकते हैं निकाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी। इसके बाद जो है हम हमारे Arduino बोर्ड को ग्लू गन की हेल्प से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके साथ में हम जो है हमारा मिनी ब्रेड बोर्ड भी कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो है हमारा फाइनल कंपोनेंट LDR मॉड्यूल, इसको भी हम ग्लू की हेल्प से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से हम इसमें कनेक्शंस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम VCC और ग्राउंड को ब्रेडबोर्ड के 2 टर्मिनल्स में कनेक्ट कर देंगे ताकि सारे सेंसर्स को हम सप्लाई दे सकें। ठीक है, अब हम वन बाई वन IR के कनेक्शंस करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम IR1 के कनेक्शन करेंगे। इसके VCC, ग्राउंड और जो है आउटपुट को हम कनेक्ट करेंगे जंपर वायर के थ्रू। अभी हम सब में जंपर वायर ऐड कर रहे हैं तीनों सेंसर्स में। ठीक है, इस टाइप से VCC, ग्राउंड और आउटपुट में। अब फ्रेंड्स हम IR1 को कनेक्ट कर रहे हैं VCC को VCC में, ग्राउंड को ग्राउंड में और इसको 8th पिन में हम कनेक्ट कर रहे हैं IR1 को। इसके बाद IR2 के हम कनेक्शन करेंगे VCC को VCC में, ग्राउंड को ग्राउंड में और जो है आउटपुट पिन को 12th पिन में हम कनेक्ट करेंगे IR2 की। इसके बाद थर्ड IR जो है हम VCC में, ग्राउंड ग्राउंड में और इसको आउटपुट को 13th पिन में हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से IR के कनेक्शन हो गए। अब हम LEDs के कनेक्शन करेंगे। LEDs जो है LED 1, 2, 3 हमने जो है पिन नंबर 3, 5, 6 में दिए। LED 1 पिन नंबर 3 में, LED 2 पिन नंबर 5 में और LED 3 जो है पिन नंबर 6 में। और इसके जो कैथोड टर्मिनल्स हैं उन सबको हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो इस टाइप से जो है हम LEDs के कनेक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम LDR मॉड्यूल के कनेक्शन करेंगे। VCC को VCC में, ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और जो इसके आउटपुट पिन है LDR के उसको 7th पिन जो है Arduino के उससे कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्शंस हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर ब्लैक पट्टी लगा देंगे, ये भी शीट ही है। मैंने सारे वायर्स को भी पीछे कर दिया है कार्डबोर्ड में, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, अब हम इसमें कोड अपलोड करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोड और कंपोनेंट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम भी डिटेल में देख सकते हैं। तो कोड अब यहाँ पर अपलोड हो रहा है। ठीक है, कोड अपलोड हो चुका है, अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो है दोपहर में जो है स्ट्रीट लाइट बंद रहेगी और इवनिंग के टाइम में स्ट्रीट लाइट्स चालू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन इंटेंसिटी कम होगी। और जैसे ही कोई कार क्रॉस करती है सेंसर के सामने से तो जो इंटेंसिटी है LED की वो बढ़ जाएगी। इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो ये इस टाइप से इस प्रोजेक्ट की वर्किंग रहती है। ठीक है ना, और धूप में जो है धूप के समय में सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ होगी, शाम के समय में फिर से ऑन होगी और इस टाइप से सेंसर्स जो है कार को डिटेक्ट करेंगे, व्हीकल को डिटेक्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।